आज हम सिंपल शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई ली है 34 इंच, शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच और आर्म होल है 5.6 इंच। ये चेस्ट का निशान लगाया, चेस्ट का निशान हमारे 7.5 इंच पे लगाया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, कमर हमारी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हिप है हमारी 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग वो हमारा 8 इंच, इसको हमने मार्क कर दिया है। नीचे से हम लेंगे इसके 8 इंच लंबाई, हमने ऐसे रख ली है और 2-2 इंच पे हम मार्क कर देंगे मार्जिन के लिए। 2-2 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, मैं इतने दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस प्रकार से हमने सूट की मार्किंग कर दी है। तो हम इसको आर्म होल हमें 1/2 इंच पीछे की तरफ लेकर उसको ऐसे मार्क कर देना है और हमें गोलाई भी लगा देनी है। इस प्रकार से मार्क करने से ना आर्म होल में झोल नहीं आते हैं। और इसको थोड़ा सा झुका देंगे नेक की तरफ। अब इसकी एज इट इज कटिंग कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क लगाइएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्क लगाया है। इसलिए जैसे चेस्ट हमारी 30 इंच, 30 का चौथाई भाग होता है हमारा 7.5 इंच, इस प्रकार से कमर और हिप का भी निशान लगा लेना है आपको और हमारा सूट एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये हम कॉलर वाला सूट बनाएंगे, इसलिए आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा प्लीज।